हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कौन सी ट्रेन में वेटिंग यात्रा चालू है, कौन सी ट्रेन में वेटिंग यात्रा पूर्ण रूप से बंद है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका कमेंट और लाइक हमें मोटिवेट करता है इस तरह का इन्फॉर्मेशन लाने पे। दोस्तों आप सब तो जानते ही है कि इंडियन रेलवे की तरफ से वेटिंग यात्रा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। ऐसे में कुछ सवाल निकल के आता है कि अगर आप काउंटर से वेटिंग टिकट ले रहे हैं, एक ही PNR नंबर पे यानी कि एक ही टिकट पे तीन लोग का वेटिंग टिकट आप करवाए हैं, जिसमें चार्ट बनने के बाद पता चलता है कि दो लोग का कंफर्म हो गया है टिकट और एक लोग का कंफर्म नहीं हुआ है, यानी कि वेटिंग ही रह गया है। तो ऐसे स्थिति में क्या दो लोग यात्रा करेंगे या फिर तीनों लोग यात्रा करेंगे? दोस्तों यहां पे मैं बता दूं कि एज पर रेलवे रूल दो लोग ही यात्रा करेंगे, यानी जिसका टिकट कंफर्म हुआ है वही लोग यात्रा करेंगे, जिसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है उसका टिकट जाकर के रेलवे काउंटर से कैंसिल करवा के अपना पैसा वापस लेना होगा। दोस्तों यहां पे एक सवाल और निकल के आता है कि अगर आपके साथ कुछ इमरजेंसी है या कोई पेशेंट है तो काउंटर का वेटिंग टिकट पर यात्रा कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों जानकारी के मुताबिक मैं बता दूं कि अगर आपके साथ इमरजेंसी है या फिर आपके साथ कोई पेशेंट है, ऐसे स्थिति में भी आप काउंटर का वेटिंग टिकट पर यात्रा को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन रेलवे की तरफ से वेटिंग टिकट यात्रा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। दोस्तों अगर आपके साथ में सच में इमरजेंसी है तो आप ऐसे स्थिति में टीटी को जाके बता सकते हैं। आपके इमरजेंसी को देखते हुए टीटी यात्रा करने का अगर अनुमति देता है तो वो टीटी के मन के ऊपर है। दोस्तों रेलवे के नियम के अनुसार अगर इमरजेंसी में आप कोई टिकट लेना चाहते हैं तो ऐसे स्थिति में आप टिकट काउंटर पे जाएंगे। टिकट काउंटर पे जाने के बाद आपके साथ जो इमरजेंसी हो रहा है उसका एक दस्तावेज साथ में पेश करेंगे। जैसे कि अगर आपके साथ कोई पेशेंट है तो पेशेंट का डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो साथ में पेश करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको एक कंफर्म सीट प्रोवाइड किया जा सकता है। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूं कि कौन सी ट्रेन पे वेटिंग यात्रा चालू है और कौन सी ट्रेन पे वेटिंग यात्रा बंद है, कौन सी ट्रेन पे फाइन लग रहे हैं, कौन सी ट्रेन पे फाइन नहीं लग रहे। दोस्तों कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया, सबसे पहले मैं एक कमेंट दिखा देता हूं आपको। एक भाई ने कमेंट किया है कि कोई नियम लागू नहीं है, आज मैं 12553 वैशाली एक्सप्रेस के S4 कोच में हूं, पूरा डब्बा वेटिंग वालों से भरा पड़ा है, कोई जुर्माना नहीं, ना किसी को उतारा जा रहा है, वोकस खबर है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक मैं बता दूं, एज पर रेलवे रूल सभी ट्रेनों में वेटिंग टिकट यात्रा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी ट्रेन में फाइन लगेगा और किसी ट्रेन में नहीं लगेगा। कुछ ट्रेन में आप यात्रा कर सकते हैं, कुछ ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दरअसल बात यह है कि यात्री को असुविधा या इमरजेंसी को देखते हुए जिस ट्रेन में भी भीड़ कम है उसमें TTE लोग फाइन नहीं कर रहे हैं या फिर GRP वाले लोग नहीं उतार रहे हैं, यह आपका असुविधा को देखते हुए आपका भलाई किया जा रहा है। रेलवे के नियम के अनुसार वेटिंग टिकट यात्रा पूर्ण रूप से बंद है। तो दोस्तों रेलवे का यह नियम कैसा लगा कमेंट करके अपना राय जरूर दें।